सो दोस्तों, अगर आप इंस्टा और यूट्यूब और टिकटॉक के क्रिएटर या यूज़र हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका डाटा फाइनली लीक हो चुका है दोस्तों। ये हमने ये खुद आर्टिकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता हुआ बता रहा दोस्तों, और ये पूरी तरह से रियल है दोस्तों। यहाँ पे कल के दिन दोस्तों 23.8 करोड़ यूज़र का डाटा लीक हुआ है दोस्तों। पूरा पर्सनल प्रोफाइल का, जितना भी उसका डिस्क्रिप्शन, फॉलोवर्स और जितने भी मोबाइल में सारी चीज़ एक्सेस किए होंगे, सारी चीज़ आपका यहाँ पर लीक हो चुका है दोस्तों, आप समय 23.8 करोड़। और दोस्तों इसके ऊपर बहुत जल्द रिकवर का वर्क चल रहा है। कुछ दिन पहले आप समझ गए होंगे जीमेल का वर्क इसमें सक्सेस नहीं होता, जीमेल का मैसेज नहीं जा रहा था, नहीं आ रहा था दोस्तों। ये सुनने में मिला दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब और टिकटॉक और इंस्टाग्राम, इन तीनों यूजर का डेटा लीक होने की खबर आई है दोस्तों। यहाँ पर साइबर एक्सपर्ट की अगर बात माने, सभी डेटा को डार्क वेब के पास बेच दिया गया है। अगर इस रिसर्च की माने तो इसकी वजह होने का रीज़न है कि दोस्तों अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी, अनसिक्योर्ड डेटा बेस है, जिसकी वजह से ऐसा मामला सुनने में आया दोस्तों। इंस्टाग्राम और यूट्यूब और टिकटॉक का जो डेटा लीक हुआ है दोस्तों, इनमें से 4.2 करोड़ टिकटॉक के यूजर हैं जिसके प्रोफाइल और फॉलोवर्स जितने भी थे सारा चीज़ को लीक कर दिया गया है दोस्तों। और साथ ही यहाँ पे 40 लाख यूट्यूबर का जितने भी प्रोफाइल थे दोस्तों, इन सब चीज़ को लीक कर दिया दोस्तों। इसके ऊपर काफ़ी अभी एक्शन काम चल रहा है, वर्क चल रहा है, और बहुत जल्द इन सभी जितने भी लीक डेटा लीक है उसकी रिकवर किया जाएगा दोस्तों। इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है दोस्तों, गूगल का और साथ में ये इंस्टाग्राम का और ये टिकटॉक का दोस्तों। जैसे न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ आता है दोस्तों, आप लोग इन सब चीज़ों से सेफ्टी रहिए, और अपने जितने भी आपके सिक्योरिटी हैं उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग आईडी, ईमेल आईडी, सारा चीज़ को फाइनल एक स्ट्रॉन्ग टाइप से बना दोस्तों, ताकि अभी खतरा काफ़ी बढ़ चुका है यहाँ पे डेटा लीक के मामले में दोस्तों। कहीं आपका अकाउंट नंबर का, आपका मोबाइल को एक्सेस ना कर दिया जाए, आपका सारा संपत्ति मोबाइल में हो चुका है दोस्तों। तो उन चीज़ों अगर लीक होता है तो कहीं ना कहीं आपकी बर्बादी होती है दोस्तों। तो इसलिए आप सिक्योर रहें और सेफ रहें, और इसके चीज़ बचने के लिए अपना प्राइवेसी को, सिक्योरिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएं दोस्तों। आज के लिए इतना, ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ सुनने में आया दोस्तों, तब मैं अपने दोस्तों साथ क्यों शेयर करूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिन सुबह रख दो। थैंक्स फॉर।